ठीक है, तो ये अपनी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे ना? सर, यस सर, देख रही है ना सबको? यस सर, सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स में कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, बिकॉज हमने सिंपल इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम ऑलरेडी लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, गामा हाफ इक्वल टू रूट ऑफ पाई। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। आप अज्यूम करेंगे तो यहाँ से आपको डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, आपको डी वाई अपॉन टू एक्स। ठीक है, तो बराबर आप इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट में आपका कोई चेंज नहीं होगा। सो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पावर माइनस वाई। ठीक है, और डी एक्स आपको जाएगा डी वाई अपॉन टू रूट ऑफ वाई। अब आप यहाँ पे सिंपल जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है वो अप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा विद द एप्लीकेशन ऑफ गामा हाफ इक्वल टू रूट ऑफ पाई। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पावर माइनस वाई, वाई रेस पावर माइनस हाफ डी वाई। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा हाफ के इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन राइट वन अपॉन टू टाइम्स गामा वन अपॉन टू, एंड वी नो दैट गामा हाफ इक्वल टू रूट ऑफ पाई, सो दैट्स वाई दिस इज रूट पाई अपॉन टू। क्लियर? यस सर, इस क्वेश्चन के लिए यस मैंने सर, ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको एक इंटीग्रल है वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई। इसका रीजन क्या बताया मैंने आप, बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप अज्यूम करके चलिए कि आप इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी इसके इक्वल होती है। ठीक है, यस सर, हाँ, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक, जाता है मुझे लगता है सिंपल। आपको बीटा फंक्शन की जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है, इफ यू रिमेम्बर बीटा फंक्शन की आपको एक डेफिनेशन मैंने और बताई थी, बीटा ऑफ एन कॉमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, ये वाली भी आप डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा किसी को, थर्ड में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। थर्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर फोर है तो आप इसको ट्रांसपोर्टेशन यूज कर लीजिए, पुट एक्स की पावर फोर इक्वल हेलो टू सम अदर वेरिएबल सर, वाई। हेलो, सर ये सेकंड के सेकंड का आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका जीरो आ रहा है ना सर, और आंसर कितना है आपका इसमें? इसका सर जीरो आया सर मेरा तो, जीरो जीरो ही आ रहा है सर, यस सर, जीरो ही आ रहा है, ओके। हाँ जीरो हाँ ये मैंने ही आ इसमें रहा है, देखा, यहाँ जीरो आ रहा पे इसको आप प्लस कर है, सकते साइन हैं, यहाँ चेंज पे होगा प्लस सर, करते हैं, यहाँ पे प्लस कर दो आप, आंसर तब भी आपको वही थ्री मिल जाएगा जो थाउजेंड आपका आंसर गिवन है। ठीक है, सर, 3003 आ रहा है तब प्लस करने पर, नहीं ना ना नहीं, यही आएगा आंसर, मैंने चेक प्लस कर रखा है, करने पर प्लस सही आ रहा है, करने पे ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना? यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे यस प्लस कर सर, लीजिए आप इसको, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटीग्रेट आपका बन जाएगा एक्स की पावर फोर टाइम्स वन प्लस एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर फिफ्टीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, आपको आंसर जो गई बना वो मिल जाएगा इसमें। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको एक्स की पावर फोर इक्वल टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, अकॉर्डिंगली आपके लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बट आपका जो वेरिएबल है वो एक्स की बजाय वाई बन जाएगा, और इसमें आप सिंपल बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर लेंगे। कौन सी वाली डेफिनेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये वाली आप डेफिनेशन यूज कर लेंगे। और यहाँ से बीटा और गामा का रिलेशन आपको पता ही है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एम डिवाइड बाई गामा ऑफ
एन प्लस एन, क्लियर? ये डेफिनेशन आप यूज करेंगे, बीटा गम्मा रिलेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, आई थिंक बी पार्ट में या सेकंड पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके आंसर आ गए होंगे, है ना? इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट पार्ट। इसके फोर्थ के सेकंड पार्ट में किसी को कोई डाउट था? आई थिंक मुझे लगता सभी का सॉल्व कर लिया होगा इसको। सर उसका भी सेकंड पार्ट थोड़ा सर, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही लास्ट में। ओके सर, मेरे को भी नहीं आया सेकंड। यस सर, हो गया सॉल्व। हाँ वो क्योंकि सेकंड पार्ट तो क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड है सिंपल, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को, वो मैं बताता हूँ आपको करना कैसे। देखो सेकंड पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यदि आप लोगों को लेक्चर का पता है, इफ यू रिमेम्बर हमने लेक्चर में प्रूव कर दिया था इंटीग्रेशन फॉर्म 0 टू इनफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डीएक्स। या आप अज्यूम करके चलिए पहले, है ना, सपोज दिस इज इक्वल टू वाई। इस इंटीग्रल को प्रूव करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक तो आपके पास में रेसिडुअल थ्योरी एप्लीकेबल है जो आपने भी पढ़ी नहीं है, तो हम इसको करेंगे जो आपने सिंपली 11th 12th में इंटीग्रल निकाले होंगे। बट अपना माइक बंद कर देते हैं कॉलेज वाले तो भी लड़की चक्कर ये सब, ठीक है? ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रल हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर दैट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यदि हम इसका एक डेरिवेटिव निकालें विद रेस्पेक्ट टू ए, डी आई अपॉन डी ऑफ ए, तो यहाँ पे हम एक लेबनीज रूल होता है जिसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। लेबनीज रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल, आपके पास में कोई इंटीग्रल दे रखा है, यदि आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको लेबनीज रूल अप्लाई करना है। तो यदि हमारे पास में यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेंट है, यहाँ पे ए कौन से टर्म के अंदर है, ई की पावर माइनस ए एक्स में है, बाकी सारी टर्म्स ए से फ्री है, तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेंट है उसका ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और बाकी टर्म्स ए सच रखेंगे। तो यदि आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए, तो e की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा? e की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए बन जाएगा आपके पास में माइनस एक्स टाइम्स e की पावर माइनस ए एक्स माइनस एक्स, यस और नो सर? यही बनेगा, यस सर। और आपके पास में इस टर्म में कोई एक ही टर्म नहीं है तो ऐसा चल जाएगी, तो मल्टीप्लाई साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, तो आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी ऑफ ए इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी विद नेगेटिव साइन ई की पावर माइनस ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब आप इसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है इसका? e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ ऐसे ही शायद। हाँ वो वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos bx plus b sin bx। जो अभी आपसे पहले वाले स्टूडेंट ने बताया वो ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके सर, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला भी आपसे पहले स्टूडेंट ने बताया वो अप्लाई करना है, और आपको ये लिमिट्स अप्लाई करनी है।
सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो निकाली कितनी आ रही है? आपके पास में जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए आप लोग। यदि आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेलो सर। सर इसका जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था उसमें e की पावर ax का फॉर्मूला है मेरे पास, माइनस ax का कोई डिफरेंट होगा क्या उसमें? नहीं ना, वही होगा, a की जगह माइनस a पुट कर दो आप। ओके सर। सर इसका फॉर्मूला ए की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ जो भी है बेटा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट कॉन्सेप्ट आपका वही है, वो अप्लाई करना है। ठीक है तो आप निकाल लेना, आपको आंसर यही मिलेगा इसमें ना। तो यह किसके इक्वल आपके पास में? डी आई अपॉन डी ऑफ ए के इक्वल है। अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू बताइए इसका इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? सर टू ए बी बी, सॉरी फिर से बोले। तो इसका इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये आपके पास में I की वैल्यू आ जाएगी cot inverse of A upon B। अब यदि हम इसकी ये जो इंटीग्रल हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, यदि हम यहाँ पे A की जगह जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमने इंटीग्रल अज्यूम किया है यहाँ पे, यदि हम A की जगह यहाँ पे जीरो पुट कर दें तो हमारा जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इट मीन जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे यदि आप जीरो पुट कर देते हैं तो कॉट इनवर्स जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन टू। तो इसको इसमें आपके जो ये प्रॉब्लम है इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? यू हैव टू अज्यूम दैट आई इक्वल्स टू दिस वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को आप सोल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द लेबनीज रूल। ठीक है, सोल्यूशन के बाद में इस इंटीग्रल में आप ए की जगह जीरो पुट कर देंगे तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, इसमें बिल्कुल नया वेरिएबल लेके आना पड़ गया क्वेश्चन में,
दे रखा था बी और ए हाँ, वो लाना पड़ेगा एक्सटेंशन के की प्रॉब्लम इसका देखो इसका लाने के पीछे एक रीजन है इसके दो मेथड्स हैं सॉल्यूशन के एक मेथड आपने मैंने जो बताया बिकॉज़ ये आपके लिए सूटेबल मेथड इसलिए है बिकॉज़ आपने इस टाइप के इंटीग्रल्स 11th या 12th में सॉल्व कर रखे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरी का एप्लीकेशन होगा जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी बिकॉज आपने जो अभी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी का अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल जो 11th 12th का कॉन्सेप्ट वो यूज किया है यहाँ पे इसमें रेसिड्यू थ्योरी का एप्लीकेशन भी है बट वो आप अभी इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से इसलिए बेटर है कि आप इसको इसी मेथड से जो लेबनीज रूल है उसका हेल्प से उसको इवेलुएट करें अभी ओके सर ठीक है ना तो फॉर द टाइम बीइंग आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके ये जो इंटीग्रल है इसको आपको लेबनीज रूल से सॉल्व करना है लेबनीज रूल बेसिकली आप क्या है डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल एक तरह से कहा जाए तो कि इंटीग्रल का आपको डेरिवेटिव निकालना है सो यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल ओके सो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सेकंड पार्ट में डाउट था किसी को या कर लिया सब लोगों ने हो गया सर हो गया ना हो गया तो जिसका नहीं हुआ उसकी हेल्प कर देना आप यदि किसी को कोई डाउट रह गया हो तो जिसने कर लिया वो उसकी हेल्प कर दें है ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो अपनी हेल्प कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स की ऑलराइट सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बीटा फंक्शन की पॉलर जो डेफिनेशन है वो यूज करनी है यहाँ पे yes, sir, ये तो हो गया ना वेरी गुड सिक्स भी हो गया होगा कोई डाउट नहीं होगा यस सर हो गया यस सर हो गया इसमें करना क्या है देखो आपको बीटा फंक्शन की तरह ही दिख रहा है बस केवल ये चेंज दिख रहा है यहाँ पे एक्स की पावर क्यू सर एक बार सिक्स का अज्यूम कर लीजिए बता दीजिए सर हाँ मैं बता रहा हूँ पुट एक्स की पावर क्यू इक्वल टू सम अदर वेरिएबल वाई मान लीजिए आप तो इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे सो क्यू एक्स की पावर क्यू माइनस वन डी एक्स इक्व टू डी वाई अब आप देखेंगे यहाँ पे लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा चेंज होगा आपके पास में इंटीग्रेंट वाली जो टर्म है तो यहाँ पे यहाँ से आपको x क्या मिलेगा x मिलेगा y की पावर 1 अपॉन क्यू सो यहाँ पे लिख दीजिए आप y की पावर p अपॉन क्यू आप x की जगह y की पावर 1 अपॉन क्यू पुट करेंगे तो x की पावर की जगह y की पावर p अपॉन क्यू ये हो जाएगा 1 माइनस y की पावर r और यहाँ से dx है dx यहाँ पे क्या बन जाएगा dy अपॉन q टाइम्स x की पावर q माइनस वन है तो x की जगह क्या है y है तो y की पावर हो जाएगा q माइनस वन अपॉन q ठीक है इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप यूज कर लेते हो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1 अपॉन q टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 y की पावर ये आप इस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा p अपॉन q ऑलरेडी आपके पास न्यूमरेटर में है पावर में यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन प्लस वन अपॉन q ठीक है तो आप इसको लिख सकते हैं p प्लस वन माइनस q अपॉन q ये सुनो तो ये हो जाएगी आपके पास में हो जाएगी y की पावर p प्लस वन माइनस q अपॉन q वन माइनस y की पावर r dy आपके पास में बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है क्या डेफिनेशन है कार्टिजन वाली जो डेफिनेशन है कोई बताएगा आप में से कार्टिजन वाली डेफिनेशन क्या है जीरो टू कैन यू रिपीट की पावर एन माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन हाँ वेरी गुड बेटा तो आपकी जो बीटा की डेफिनेशन होती है कार्टिजन के अंदर बीटा ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स अब यदि ये जो इंटीग्रल है इसका इससे कंपेयर करते हैं सो एम माइनस वन आपको क्या मिल रहा है यहाँ से पी प्लस वन माइनस क्यू अपॉन क्यू
ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, p प्लस वन अपॉन क्यू, यस नो? यस सर, यस सर। और n माइनस वन की जगह कितना आपको मिल रहा है, r मिल रहा है, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, r प्लस वन हो जाएगी। सो इट मीन्स हमारा जो इंटीग्रल है ये वाला, वो किसके केवल हो जाएगा, वन अपॉन क्यू टाइम्स बीटा ऑफ m की जगह हो जाएगा p प्लस वन अपॉन क्यू, और n की जगह हो जाएगा r प्लस वन, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल बीटा की जो डेफिनेशन है, गामा के साथ में रिलेशन है, वो यूज करना और सॉल्व करना है। तो थोड़ा एंटर दे दीजिए, वो क्या मुझसे हुआ नहीं, किसकी, इसकी 7 क्वेश्चन की 7th में हिंट तो दे दी ना, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहां पे बीटा गामा रिलेशन यूज कर लीजिए आप। आपका बीटा गामा रिलेशन क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन डिवाइड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, एम प्लस वन है, तो यहाँ पे एम प्लस वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जस्ट आपको बीटा गामा रिलेशन यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई डाउट है अभी इसमें? नो सर, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको, मुझे पता है कैलकुलेशन पार्ट है, तो कैलकुलेशन बड़ा इजी है, स्टार्ट कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया इसमें, है ना? आई थिंक एट क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नो सर, पोलर फॉर्म लगा दीजिए आप इसमें, है ना, पोलर फॉर्म आपके पास में क्या है, यदि पोलर लगाएं तो पोलर लगा दीजिए, नहीं तो आपके पास में दो तरीके हैं इसको, देखो एक तो आपको पोलर बताई होती है साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, या इसी इंटीग्रल को मॉडिफाई करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ पी प्लस वन अपॉन टू गामा ऑफ क्यू प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू टाइम्स गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस टू अपॉन टू, है ना, ये जो इंटीग्रल है ना ये इसी से आपको मिला हुआ, जस्ट मॉडिफाई कर देते हैं रिजल्ट को, तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने इसी इंटीग्रल से निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या सिंपली क्या पुट कर रखा है, 2m-1 की जगह p पुट कर दिया और 2n-1 की जगह q पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट? नो सर, नो सर, इजी कर लेंगे। 10th में भी कोई डाउट नहीं होगा? नो सर, नो सर, नो सर। क्वेश्चन नंबर 11 सर, एक बार 10 वाला बता दीजिए सर। 10 वाला जी सर, कोई आइडिया लगाया आपने कैसे करना है इसको? जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दीजिए, लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स है, सम अदर वेरिएबल वाई मान लीजिए, अब ट्राई कीजिए आपको आराम से मिल जाएगा इसका आंसर, है ना, आपका किस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से, ना, गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगानी है आपको आंसर मिल जाएगा इसका, है ना, यस सर। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है log of 1 upon x equals to y। 11th में कोई डाउट नहीं होगा किसी को, सिंपली कर देंगे आप लोग इसको। सर फर्स्ट वाला बता सर, 11 का थर्ड वाला, 11 का आंसर मैच नहीं हो रहा सर, आंसर मैच नहीं हो रहा फर्स्ट, यस सर,
गामा 4.5 है ना? यस सर। तो इसका आंसर मैच नहीं हो रहा सर, फर्स्ट और थर्ड के नहीं हो रहा, सेकंड का हो गया। तो इसको आप गामा 9.2 कर सकते हैं। यस सर, बात तो वही है उसी से किया। हाँ हाँ वही तो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। टेंथ का क्वेश्चन या इलेवेंथ था ये? अच्छा इसमें ये आंसर दे रखे इन्होंने सर, वो डेसिमल में आ रहा ना आंसर। हाँ तो उसमें बेसिकली कर क्या रखा है ना, रूट पाई की जो वैल्यू वो पुट कर दिए इन्होंने। हाँ सर वो बिठा यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट ऑफ पाई मिलेगा ना सर। एग्जाम में भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्या पाई की? सर या फिर पाई पे छोड़ सकते हैं? नॉट नेसेसरी। अब इसमें आप सिंपली जो गामा का रिडक्शन फॉर्मूला क्या, गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन वाला यूज करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 7/2 5/2 3/2 1/2 एंड गामा 1/2। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। बस लास्ट में गामा हाफ की जगह रूट पाई कर दीजिए आप, और रूट पाई की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई गामा हाफ वन से ऊपर होगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है पहले तो बताइए आप। 1.77 आपको आंसर वो डेसिमल में जो मिल रहा है वही मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है आंसर। जैसे ये नीचे 16 हो गया और ऊपर बड़ा आ रहा है सर, बहुत उसमें मैच नहीं कर रहा। सोल्व करोगे तो सोल्व तो करना पड़ेगा ना, या ऐसे ही हिंट लगा रहे हो? सोल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा सर। वैल्यू पुट करके भी मैच नहीं हो रहा सर। ट्राई करना बेटा, हो जाएगा ना, कैलकुलेशन पार्ट है, आप ट्राई कर लेना इसमें। वो कोई नहीं अलग से कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर सर, ट्राई किया था तो आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया आप लोगों ने सर? एक बार 12 का सेकंड बता दीजिए सर। फर्स्ट कर लिया? नहीं सर। जिसने फर्स्ट कर लिया वो उसको सेकंड बताने की जरूरत ही नहीं है, वो फर्स्ट से आंसर आ जाएगा सर। फर्स्ट नहीं हुआ और सेकंड नहीं हुआ, थर्ड हो गया। तो किसी तरह ट्राई किया, कोई हिंट है आपके पास में, किसने कुछ ट्राई किया हो, कैसे ट्राई किया आप लोगों ने? एक्सक्यूज मी सर, सर 12th के फर्स्ट में है ना हां बेटा, इनको बोलनी थी पहले बोल रहे थे अभी सर, इसको बीटा फंक्शन में चेंज करने की सोचा था। अच्छा तो इसके लिए यदि आपको याद है फॉर द टाइम बीइंग ये मैंने आपको सोल्व कराया था क्लास के अंदर, e की पावर माइनस ए एक्स। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये इंटीग्रल सॉल्व करवाया था मैंने क्लास में आप लोगों से? Times cos of n theta, जहां पे theta की वैल्यू किसके इक्वल है, tan inverse of b upon a के इक्वल है। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करवा चुका हूं ना। अब देखिए यदि मैं इस इंटीग्रल के अंदर a की जगह 0 पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड पार्ट हो जाएगा, राइट हैंड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, गामा एन अपॉन ए की जगह 0 है
तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर की पावर एन अपॉन टू, सो सिंपली बी की पावर एन एन थीटा। जब ए की वैल्यू आपकी जीरो है तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी बन जाती है, ए बराबर जीरो है यहाँ पे आपके, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से पाई बाई टू, सो दिस इज एन पाई बाई टू। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे अज्यूम करें इस इंटीग्रल के अंदर, पुट x की पावर n इक्वल्स टू z, तो यहां से आपको डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड हो जाएगा आपके पास में, और आपके इंटीग्रल के लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी जेड है, तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपके पास में कॉस ऑफ बी एक्स है, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जेड की पावर वन अपॉन एन, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ बी टाइम्स जेड की पावर वन अपॉन एन डी जेड इक्वल्स टू एन टाइम्स गामा एन अपॉन बी की पावर एन कॉस ऑफ एन पाई अपॉन टू। कोई डाउट इसमें? आपने क्या किया यहाँ पे, जो इंटीग्रल है इसमें आपने x की पावर n इक्वल टू z अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n टाइम्स x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और यदि आपने लेफ्ट और राइट हैंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, और यदि हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n गामा n को आप क्या ले सकते हैं गामा ऑफ n प्लस वन यस ऑर नो डिवाइड बाय b की पावर n कॉस ऑफ एन पाई अपॉन टू। अब आप मुझे बताइए, आपको पहला क्वेश्चन यदि इसका आंसर चाहिए तो यदि मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, बी की जगह वन कर दूं और एन की जगह हाफ हाफ पुट कर देंगे, तो आपको ये वाला इंटीग्रेट मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम आपको राइट हैंड पार्ट में पुट करना है, b की जगह 1 पुट करना है और n की जगह हाफ पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर सर? ये क्वेश्चन कहीं और से शुरू करने पड़ते हैं, मतलब इसका रीजन मैंने आपको बताया ना अभी, आपके पास में एक रेसिडुअल थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको अभी थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा उसका कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारे पास में जो ऑलरेडी अवेलेबल जो रिजल्ट है उन्हीं का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना? तो हमारे पास में जो अवेलेबल रिजल्ट है, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रिजल्ट, तो हमने इसकी यहाँ पे हेल्प ली है। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं क्या सर, क्योंकि इसमें फ्रेजनल इंटीग्रल या वो रेजिड्यू लग रहा है? नहीं रेजिड्यू नहीं लगेगा ना, मैंने नहीं लगाया ना अभी रेजिड्यू आपके लिए। नहीं सर, बट हम कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं ना सर की। हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट असाइनमेंट में मैंने दिया तो इट मीन्स एग्जाम में भी आ सकता है। असाइनमेंट देने का पर्पस क्या है कि आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का पता रहना चाहिए, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। सर वॉइस इज नॉट। हेलो
हेलो सर वॉइस नहीं है सर वॉइस नहीं है वॉइस नहीं है सर वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही हेलो सर वॉइस नहीं आ रही आपकी हेलो अभी आ रही है हेलो सर हेलो हाँ सर हेलो अरे अभी आ रही होगी आवाज़ देखिए आप लोग हाँ सर आ रही है